Pare. बोले श्री दयानंद जी महाराज की, बोले सप्त गुरुदेव की, गुरुकृष्णनाथ जी महाराज की, मच्छिंद्रनाथ जी महाराज की। इतने कमजोर जयकारे से प्रारंभ नहीं होता, आरपीएम बढ़ाओ। बोली बकरीनाथ जी महाराज की। तपस्वी स्थली पर आज हम महापुरुषों के श्री चरणों में अपने भावों को प्रस्तुत करने के लिए आए हैं। मंच पर विराजमान परम श्रद्धे ज्ञाननाथ जी महाराज और उनके साथ में विराजमान सभी संत महापुरुषों का, सभी संत चरणों का की अनुमति लेते हुए पधारे हुए सभी सीएलसी इंस्टीट्यूट के सभी टीम और उनके सभी विद्यार्थी, सापना गांव के सभी प्रमुख प्रबुद्ध जन आसपास से पधारे, सभी महानुभावों का, माताओं बहनों का, युवा मित्रों का यथायोग्य अभिवादन करते हुए मैं आप सभी के बीच में आदरणीय श्रवण जी की अनुमति के साथ इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहा हूं। बहुत सारे भजन हम गाएंगे, बहुत सारे आनंद के साथ में आज की इस भक्ति को हम प्रस्तुत करेंगे। वही रश्मि में टेंशन नहीं, आज हंसी खुशी का माहौल है। और ऐसी महान मूर्तियां जिनके दर्शन से चिंताएं कम हो जाती है, एक बार ताजा बजाकर इस भरे पूरे मंच का अनुभव जोड़ा जाए करें। प्रकाश माली की टीम पूरे हिंदुस्तान में जहां भी बैठती है अपने संगीत से, जब तक आप इस कार्यक्रम में विराजमान हो ऐसा लगेगा कि पूरी दीन और दुनिया की चिंताओं से मुक्त हो। चरणों में जगा देना, गुरुदेव दया करते मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करते कुछ तो अपना लेना, गुरुदेव दया करते कुछ तो अपना लेना। उस पार लगा देना,
मुझे प्राणों से प्यारे हो। तालियों के साथ में इस पंक्ति को आगे नित्य माला जपू तेरी, दिल से बुलाते पीती गुड़ा
राजू रे दीवाना जोगी प्रीति दुरा चेतन होई नरी
सुमिरन करना चेतन सुमिरन करना शहरी पते पूरी मानी ले
जिन्होंने अपने युवावस्था में भक्ति और तप के माध्यम से इस देश में भारतीय संस्कृति के सूर्य को उदयमान करने में अपना जीवन खपा दिया, ऐसे परम श्रद्धे दिनेश गिरी जी महाराज हम सभी के बीच में आए हैं। मैं चाहता हूं गुरुदेव का जयकारा बोलकर वेदना को कहा कि महाराज जी ये वंश ये कुल यही समाप्त हो जाएगा, हमारे पर संतान नहीं, हमारे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा। महाराज जी ने आशीर्वाद दे दिया, लेकिन आशीर्वाद के साथ में ये भी कह दिया कि आपके संतति होगी, आपके औलाद का सुख मिलेगा, लेकिन आपको अपने पुत्र को यहाँ पर भक्ति के लिए गुरु भक्ति में लगाना पड़ेगा, आपको पुत्र को देना पड़ेगा। उन्होंने कहा महाराज जी कोई बात नहीं, आप आदेश करो। ज्योतिनाथ जी महाराज की कृपा से श्री ज्योतिराज जी जांगीड़ के यहाँ पर कुछ समय बाद में बालक का जन्म हुआ। बालक को लेकर जब पिता ज्योतिराज सिंह जी महाराज जी के पास में पहुंचे तो महाराज जी ने कह दिया कि रुक जाओ, इस बालक को आप रखो, ये आपकी सेवा करेगा। उनको ये पता नहीं था कि महाराज की क्या लीला है, उनको लगा कि ठीक है, महाराज जी ने कह दिया पुत्र हो गया, महाराज जी के पास हम लेके चले गए, महाराज जी ने इस पुत्र को हमको दे दिया। लेकिन कुछ समय बाद में भगवान की दिव्य कृपा से एक और पुत्र की प्राप्ति हुई। Oh,
चेहरे पर अनंत ब्रह्मांड की रोशनी लिए हुए बालक का जन्म जब हुआ तो पूरा गांव खुशी, पूरा क्षेत्र चमक गया। बालक का नाम मुनिराम रखा गया। माता पिता को याद आया कि गुरुराज ने कहा था कि बालक तो मुझे देना है। पंडितों ने कहा पिताजी को कि ये बालक जो है इसके ग्रह नक्षत्र जिस कुल में जिस घड़ी में इस बालक का जन्म हुआ है ये बालक अपने आप में बहुत बड़ी भक्ति कर जाएगा, इस दुनिया में आपके कुल का नाम रोशन कर जाएगा और ये भक्ति से पूरे सत्य सनातन संस्कृति को चमका जाएगा। पिता पहुंचे और माँ ने गुरु महाराज को कह दिया कि बाबूजी आपके आदेश के अनुसार ये बालक है। 5-6 वर्ष की उम्र में बालक ने बचपन में ही संन्यास ले लिया और ज्योतिनाथ जी महाराज के आश्रम में बड़े होने लगे। 6 वर्ष की उम्र से प्रज्ञा को अपने मन को भक्ति में लगाते हुए उन्होंने जब युवावस्था आई तो उनका चमक उनका तेज इतना प्रबल हो गया कि चारों तरफ उनकी कीर्ति फैली, यश फैला और कहा जाता है कि आपके सातरा गांव के कुछ चौधरी समाज के यहाँ के भक्त लोग वहां मंदिर में पहुंचे। महाराज जी को कहा कि महाराज जी हमारा गांव सूना है, आप हमारे गांव में आ जाओ। महाराज ने विनती स्वीकार की और एक दिन ऊंटों पर बैठकर अपने भक्त भाविकों के साथ में महाराज जी यहाँ कर बस गए। बोले बकरीनाथ जी महाराज की नाचते हुए नहीं देखा होगा, देखा ऐसे भजनों में नहीं देखा। ठीक बात है, आपने स्कूल में देखा होगा तो मेरा कड़क मिजाज देखा होगा, अनुशासन प्रिंसिपल सिद्धांत पढ़ाई के लिए आपके ऊपर जोर रखा होगा। आज आपके लिए आपको कुछ नहीं कह रहे कि पढ़ाई करो ये करो, 2-3 घंटे आपको बिल्कुल फ्री कर दिया गया। तो जब ऐसे गुरुजनों की शिक्षा मिलती है ना मित्रों, जीवन धन्य बन जाता है। बजाए तालियां एक बार सभी लोग, अब आपकी तालियां बजेगी ना आपके गुरुजी से एक बार फिर निवेदन करूंगा मैं, एक बार खड़े हो जाओ। नाथों की बहुत बड़ी संप्रदाय की बहुत बड़ी धोनी के नाम से विख्यात हो गया। विक्रम संवत 2032
आजाद सुदीप दूज के दिन महाराज जी ने इस दुनिया से पर्दा किया। आज 42वीं पुण्यतिथि है उनकी और इस क्षेत्र में ये महाराज जी के धोनी पर इतना बड़ा कार्यक्रम पहली बार हो रहा है। मेरा ये सौभाग्य रहा कि इतने बड़े इस कार्यक्रम में संतों का सानिध्य मिला, राजनीति से जुड़े हुए लोगों का सानिध्य मिला। हमारे मंत्री जी बिल्कुल नीचे पब्लिक में बैठ कर हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप सभी लोग आनंद के साथ में एक बार जयकारे के साथ में बोलिए मकड़ी नाची महाराज की। सिंह कसवा वर्तमान सांसद राहुल कसवा जी के पिताजी, पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। हम सभी के बीच में पधारे, जोरदार तालियों से अभिवादन करें। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरो पारब्रह्म, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरो पारब्रह्म, गुरु भगवंत। पीछे वाले नहीं बोल रहे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है हमारी तरफ से, क्योंकि एक समान भाव से बैठे हो। ठीक है, आप जल्दी आ जाते तो आप भी आगे बैठ जाते, लेकिन आप पीछे बैठे हो और आपका जयकारा आपकी उपस्थिति दर्ज करवाए। शिवम जी महावर सांसद महोदय पधारे हैं और बहुत ज्यादा प्यार जिनका हमको मिला। प्रकाशवाड़ी शेखावाटी के इलाके में जब भी आया है आदरणीय विधायक साहब, और विधायक साहब तो क्या मंत्री साहब, और मंत्री पद भी इनको मिला देव स्थान का, आदरणीय राजकुमार जी रंगवा साहब आज के इस कार्यक्रम में बहुत जोरदार तालियां बजा करके हम सांसद महोदय का और रंगवा साहब का स्वागत करें। साहब आपको एक तो पग रत्नगढ़ में, एक पग जयपुर में, बाकी भाई हालत है। प्रकाश माड़ी एक तारीख ने घर छोड़ दियो, आज तक पहुंचो नहीं गयो, अरे जा रही पहले छत्तीसगढ़ किया, अपना छत्तीसगढ़ में मान डरा दिया, बोला भाई साहब यहाँ तो नक्सलवादी लोग बाग मिलिट्री की ड्रेस पहन के आ जाते हैं। मैं तो डर थोड़ा होटल में हुआ, बाहर नहीं निकला। छत्तीसगढ़ गया पर अवतरे गया पर पूरा हिंदुस्तान में घूम रही है, दिल्ली गया पर प्रोग्राम,
दिल्ली में साइकिल का रिक्शा चले, तीन पेड़ा हो, मेट्रो चले, फिर बस चले, फिर टैक्सी चले। मैं कह रहा हूं ओम प्रकाश कभी साइकिल का रिक्शा में नहीं बैठे, होटलों बाहर निकलो, रिक्शा वाला चलाओ। मैं भैया उत्तर प्रदेश वाला, मैंने कहा भैया चांदनी चौक चलना है, चलेंगे राव जी। पर सतगुरुम्हारी नाम बाप जी, इन गुरुम्हारी नाम बाप जी, सतगुरुम्हारी नाम ए भरोसे थारे चाले हो, सतगुरुम्हारी नाम बिना दूजो नहीं दी के जग में पालन हार।
से थारे चाले हो सतगुरु की नाम भव सागरों दो नोरे तिरो नित रूपा निग प्रभु तो निजरनिया निग प्रभु तो निजरनिया निग प्रभु तो निजरनिया वे भव सागर जी पाले भरोसे थारे चाले हो सतगुरु हरि नाम भरोसे थारे चाले हो सतगुरु हरि नाम राम जी रा भजना सो कई भार गुरु देवी जगा सुतोड़ा जाओ सुतोड़ा जाओ राम जी रा भजना सो कई भार इसलिए सतगुरु रूपी नाव बना लो इन विधि उतरो बाप नाग बना लो इन विद्युत दो पार अरे सुरत जा जड़ी ज्ञान बासना सुरत जाजड़ी ज्ञान बासना केवल सिर चलिहावे भरोसे थारे चाले सतगुरु हरि नाम सतगुरु हरि नाम बात जी गुरु हरि नाम सतगुरु हरि नाम बात जी जिन गुरु हरि नाम भरोसे थारे सतगुरु हरि नाम भरोसे थारे चाले सतगुरु हरि कबीर सुनो भई संतों बह जाता मजधा एक कबीर सुनो भई संतों बह जाता मजधा रामानंद मिला गुरु पूरा रामानंद मिला गुरु पूरा हर पीड़ा कर दिन भरोसे हरे सतगुरु हरि नाम भरोसे थारे चाले सतगुरु हरि नाम भरोसे थारे चाले सतगुरु हरि नाम भरोसे थारे चाले सतगुरु हरि नाम जी सतगुरु हरि नाम सतगुरु हरि नाथ मकड़ी नाथ जी ने पार पार वंदना आप सभी के तालियों के साथ में आपके भाव इस भजन इस शब्दों के साथ जुड़ेंगे बार बार वंदना हजार बार वंदना सातड़ा नाथ को है पार पार
बाद वंदना नाथ मकड़ी नाथ जी को बाद बाद वंदना से ब्रह्मांड चलता है, शक्ति दिखाई नहीं देती पर शक्ति से आवास होता शक्ति का, और शक्ति नहीं होती तो फिर सब कुछ स्थिर है। हमारे परम सत्य ज्ञाननाथ जी महाराज बिल्कुल एकदम प्रतिबिंब के रूप में, मकड़ीनाथ जी महाराज के रूप में यहाँ पर हम सभी को आशीर्वाद दे रहे। शेखर सांसद परम आदरणीय परम सत्य श्री श्री गजाराट सुबोधानंद जी महाराज, पहली बार मुझे आपके दर्शन का मौका मिल रहा है, साथ में दिनेश गिरी जी महाराज आए और भी महापुरुष बैठे जिनका मैं नाम से परिचित नहीं हूँ, लेकिन सभी संतों के श्री चरणों में मेरा बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। बड़ा सुंदर भजन है, आनंद कीजिएगा।
लग तो ही गाजो सावन ही भात गाजो गाजो जेठ आषाढ़ कांवर के जाओ लग तो ही गाजो सावन ही भात सूतों की सोड़ी नींद कांवरते दाओ हरोड़ा हरोड़ा साही ना दीजे बाजो नौकर चाकर बैठकर मैं तो आनंद करूं इतना सारा हाली है इतना सारा नौकर है माँ बोली कि बेटा हाली यदि हाली बाजरी को बीज बाई तो बाजरी उठसी लेकिन बेटा थारे हाथ में जादू है जा खेतों में जा बोली तेजा जी बोलिया है माँ बोले बेटा तारा जो संगी साथी में कब का खेत में गया तेजाजी जब आड़स करो तो माँ बोल दियो कि बेटा हाली ने बायोड़ा हो हाली ने बायोड़ा हाली ने बायोड़ा मूंग मोटी पुजे ते जाओ हरोड़ा बायोड़ा मोटी नी हरोड़े बायोड़ा मोटी नी कठे तो पड़ी है मारी रास्या माता जरनियो जी तैयार हो गया बोले माँ तो पड़ी है हड़ी हार में बंजा है बेल्या पाड़ा में हड़ हालड़ी तू क्या कमी है रासा का सभी लोग मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा तड़के उठियो भोर को हलियो लीनोहा जो चलो खेता रे मां
आवियो देवाने मना पिता चाल्या कवर ते जाओ सुगन मना बेटे तो केरा पींजा अरे केरा पींजा मूंग जवार कवर ते जाओ नौकरी दोनों में पालो खेत में गया ही नहीं या कभी काम किया ही नहीं और मां कह दियो कि बेटा तेजा जा थारे हाथ में जादू है तो यदि बीज बाजरी को बाए तो भी मोती ना निकल जाएगा। तेजो जी चले गया खेत में, अब कभी खेत जोतियो ही नहीं, कभी बैलिया चढ़ा चढ़ा बैलिया ने कभी अड़ में जोतिया नहीं, कभी गर्मी देखी नहीं, तेजो जी को उमस लगी जोरदार, शरीर में बलशाली हा तो बलशाली आदमी को भूख भी जल्दी लगती। बेला खेत खड़ता खड़ता जोतता जोतता दुपहरी को टाइम हो गयो। अब तेजो जी घड़ी घड़ी गांव की तरफ जो रस्तो आ रहे रस्ता की तरफ देख लिया कि भाभी कह रहे हो कि माँ बोली थी कि तू जा तेजा थारे बातों जल्दी भेज दे। तो तेजो जी बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं कि भाभी बातों ले आई कि नहीं आई, लेकिन भाभी तो दिखी नहीं आपसी। मारवाड़ी समझ में आ रही है मेरी? आ रही है ना? हाँ, मैं उधर का हूं, थोड़े कुछ शब्दों का फर्क हो सकता है। क्या बात है। अब देखिए भूख बढ़ती बढ़ती जबरदस्त बढ़ गई, पेट में ऊंदरा घर मार दियो। तेजो जी ने री साड़े लगी, बोली पहले दिन आयो माँ कहो हो कि सारे बातों बेगो भेज दो और घर वालों ने कोई चिंता ही नहीं है, दुपहरी को वक्त चले गए और कोई आ ही नहीं रही हो घर को। अब देखिए तेजा जी का रीस अंदर से गुस्सा धीरे धीरे बढ़ने लगा। दुपहरी रो वक्त घड़ गयो, शाम नजदीक होने लग गई और घर से कोई आयो ही नहीं। तेजा जी ने नजर पड़ी तो बहुत दूर भाभी माथा पर भाता की पोटली रखी हुई, ऊपर बलिया के नीरो लिया भाभी जो मटक 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 करती आ रही है। थोड़ी नजदीक आई, तेजा जी को रीस आई हुई थी और थोड़ी नजदीक आई, तेजा जी आवाज लगाई थी बोले भाभी सा जटे हो बटू पाछा गिर जाओ, सुबह आयोड़ो हो, कोई चिंता है कि नहीं घर में, घर सो काटो तो होंगे नहीं जो आप अब ले रही बातों। तेजा जी की भाभी नजदीक आई, बोले देवर जी रीस मत करो, घर में काम का छाती पटो घड़ो है, मैं अकेली करने वाली हूँ, सुबह उठी भी थे वो खपड़ लागी, अब तक खपड़ी और जिन टाइम मिलियो मैं ले आई, देवर जी शांति रखो रीस मत करो ना। तेजा जी बोले भाभी पंचायती करने की आवश्यकता नहीं, ज्यादा अपनी सफाई नहीं देनी, जो हो वो पासा चले जाओ। तो भाभी प्रेम से बोली, बोले कि देवर जी रीस ना करो ना, हमारी बात तो सुन लियो। कहीं बोली मण पीसो, माता बहनों की ताली चाहिए मुझे से। सभी बहनों की मण पीसो मण पोयो कवर के जा, गाना है आपको गाना पड़ेगा याद है, मण पीसो मण मण पीसो मण पोयो कवर तेजा, मण पीसो मण। देखो तेजा जी को गाने का समय है हो ये, इसलिए कई कई माता बहन बैठी है कई विचार में, लेकिन एक बार आधी लाइन गा दो आपकी पंक्ति है। अरे मण पीसो मण मण को तो राम जो खाटो खींचो, मण पीसो मण पोयो कब ते जाओ, मण को तो राम जो की मण को तो राम जो खाटो खींचो। बोले देव
जी क्यों रीस कर रहे हो हमारे गीत लिया ने हिंडा में रो तो छोड़ रही हूँ। कुछ तो अंदर चिंता थी तब आई मारो बेटो पालना में रो रही और मैं आप बातों ले रहा आप बटे रीस कर रहे हो। तेजा जी का गुस्सा शांत नहीं, बोले भाभी ज्यादा सफर देने की जरूरत नहीं, रुक जाओ। माता बहने बैठी, देवर भाभी का झगड़ा हर घर में होता है भाई साहब, होता है ना, कितने लोगों को मानना कैसा झगड़ा हर घर में होता है, खड़ा करें पा जो पीड़ित है इस बात से वो तो पक्का करेंगे। महाराज जी एक निवेदन करूं, हिंदू समाज में हमारे यहाँ पर संयुक्त परिवार टूटने में सबसे बड़ा जो कारण है ना, वो कारण शायद कहीं ना कहीं ये जय हो जय हो महाराज महाराज जी क्षमा क्षमा भाई जी क्षमा 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 क्षमा। आप सब लोग मेरी तरफ ध्यान दो, कोई बात नहीं, देखो ये भक्त और भगवान का विषय, मैं भक्त हूं आप भगवान हो। तो देवर भाभी का झगड़ा क्यों होता आप लोग जानना चाहते हैं, कारण मेरी तरफ देखो, उसका एक कारण है कि जो देवर होता है ना वो घर में सबसे छोटा होता है, तो छोटा जो होता है वो उत्कंठता करता है, मतलब घर में अपना ये भाग रखता है, हर काम में वो आगे रहता है, और जो भाभी होती है घर में लाडला होता है, और भाभी जो होती है ना वो घर में सबसे बड़ी बीलनी होती है। तो बड़ी बीलनी होने का जो स्वाभिमान है वो, और छोटा होने का जो अधिकार है, वो दोनों के अधिकार जब टकराते हैं आपस में तब झगड़ा हो जाता है। और भाभी देवर का झगड़ा तो सदियों से पुराना है, दो बोल भाभी कह दिया, दो देवर जी चढ़ता कह दिया, फिर दो कावड़ आकर और भाभी कह दिया चढ़ता, देवर जी बोले भाभी से चुप, भाभी बोल दी ओ देवर जी लिमिट मार मत जाओ, चोर बोलने रो अधिकार थारा भाई रो है, ते क्यों बोल रहे हो, कुछ भी बोली तो बे बोली, अरे जीवड़ो तो जीव ले लो अपने बातों, मैं तो जाऊं पाछी। अब देखिए झगड़ा मामूली नहीं, झगड़ा हो गया तगड़ा, तेजा जी ने इतनी रीस आई कि मैं बलजिया ने छोड़ और दोपहरी रिटर्न घर आ गया। तेजा जी की मां देखो कि तेजा पहले दिन ही गए और पहले दिन ही बेगो आ गई, फिर मां को याद है बोले तेजा कहीं हो, तारी तबीयत तो ठीक है बेटा, कोई बलजिया दौड़ गया बीज खत्म हो गया वो कहीं। तेजा जी उदास बोले भाभी, अब देखिए इतनी बात हुई तो भाभी ने कह दिया अरे माँ पर क्यों करो रीस लो या देवर, माँ पर क्यों करो रीस लो या देवर, लवनी परनी ने बैठी बात, लवनी परनी ने बैठी चलाना तो थारी खुदरी लुगाई पर चला, अठे किने सुना रही हो, थारी परणी तो पीर बैठी है और तू मारे ऊपर हुकम चलाओ, थार मारे ऊपर हुकम थारो भाई चला सी। तेजा जी ने तीर जो काट दिया, मैं तीर जो शब्द लाग गया, पहले मैं छोड़ घर गया, माँ पूछो कहीं हो तेजा, तेजा जी उदास बोले कि माँ बाबा जी मो सो बोलियो सदाई माता चरणी हो दिल तो परनायो पीड़ा एक अच्छे मारो प्यारा करायो माता
सा मरना यो पीड़ा हो गाव पनेर कैमल जी मुटा से बेटी पेमल सु करियो हरो बेटी पेमल सु करियो हरो बेटी पेमल सु करियो Oh,
की आवाज थी कुछ क्यों नहीं डरना हरियो शेर के समान कुछ क्यों नहीं डरना हरियो अब तो बदली सेना दे आगे बदली सेना दे आगे अब बदली सेना दे आगे हिंदुआ सूरज मेरा रे रतन सातरा गांव में आप लोगों के साथ में गाना चाहता हूं देशभक्त लोगों के हाथ ऊपर उठ जाएंगे बाकी लोगों से मेरा निवेदन है नहीं बाजड़ खा दो वो भूत कटे एक लिंग दी धान कटे वो महाराणा पीछे वालों महाराणा मैं देशभक्त लोगों की बात करिए जी हाथ नीचे होंगे जमेगा नहीं मामला उठा लो एक बार वो महाराणा बोलो ओ महाराणा ओ महाराणा अक्सर गाता हूं एक फिल्म का गीत है आदरणीय लता जी ने गाया बहुत पहले फिल्म आई थी जय चित्तौड़ जय चित्तौड़ ने देखी घोड़ा चेतक के लिए गाया और चेतक ने अपने धर्म को भी निभाया इंसानों की बात नहीं मित्रों इस देश के पशु पक्षी भी देश भक्त महारानी बोलती है तेरे कंधों पे आज भार है मेवाड़ का तेरे कंधों पे आज भार है मेवाड़ का करना पड़ेगा तुमको सामना पहाड़ का हल्दी घाटी नहीं है खेल कोई खिलवाड़ का बिना जवाब तुमको शेरों की दहाड़ का चेतक महान है धरती की शान है चेतक महान है धरती की शान है रखियो तुलाज उनकी ओ पवन वेग से उड़ने वाले तुझ पे सवार है मेरा सुहाग है वो रखियो तुला ओ पवन वेग से उड़ने वाले शंकर भगवान के भोलेनाथ के भक्त थे महाराणा प्रताप वहां पर उदयपुर में श्रीनाथ जी मतलब नाथद्वारा के करीब एक छोटा सा गांव एकलिंगनाथ महादेव का वहां बहुत प्राचीन तीर्थ कवि की कल्पना है कि जब इतना बड़ा युद्ध लड़ा गया हो तो भगवान ने तो उस युद्ध को देखा ही होगा
और भोलेनाथ ने पार्वती से कहा होगा कि देख पार्वती हल्दी घाटी रेतीला सो, हल्दी घाटी रेतीला सो, शिव पार्वती युद्ध देख गया, शिव पार्वती युद्ध देख गया, शिव पार्वती युद्ध देख गया, मेवाड़ी वीरा वीरता वाड़ी पीरा दीदा अपनी नजरा सुनो, अपनी नजरा सुनो, अपनी नजरा सुनो, बोला शिव जी सुन पार्वती हो, बोला शिव जी सुन पार्वती मेवाड़ भूम दी बलिहारी। और जो साचा कर्म करे जग में अगे जन्म दे नरनारी, अगे जन्म दे नरनारी, अगे जन्म दे नरनारी, माजड़ थारो वो भूत कठे, एक लिंग दी बाण कठे, महाराणा करता कठे, महाराणा करता कठे, महाराणा करता कठे, अर्पित कर दो तन मन धन, अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन, अगर देश के कामया, अगर देश के कामया, तो जीवन बेकार, तो जीवन बेकार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ आज देशरी सीमा पर, आज देशरी सीमा पर संकट रा बादल मंडराया, संकट रा बादल मंडराया, संकट रा बादल मंडराया, और ये पाकिस्तानी घुस भेजा, ये पाकिस्तानी घुस भेजा, भारत सीमा में घुस आया, भारत सीमा में घुस आया, भारत सीमा में घुस आया, यो कश्मीर भारत को है, कश्मीर यो कश्मीर भारत को है, यो कश्मीर भारत को है, बड़ा कट खावे आज माजड़ थारो वो भूत कठे, कि आपके देश की विशेषता आप इतना बोलते हो, बोले कि यार तूने प्रश्न गजब का किया, मेरे देश को समझने के लिए तुझे 5-7 जन्म लेने पड़ेंगे, और एक जन्म में एक सवाल में मेरे देश के बारे में क्या पूछता है यार, एक सवाल में मेरे देश का जवाब ही नहीं है। इतनी परंपराओं से
महादेश। हमको बहुत बड़ा गौरव होना चाहिए, हमको बहुत बड़ा अभिमान होना चाहिए और भगवान का करोड़ों करोड़ों बार शुक्रिया होना चाहिए कि परम पिता परमेश्वर आपने ऐसी कृपा करी है कि मुझे भारत की इस देव भूमि पर जन्म देकर भेजा, मुझे हिंदू संस्कृति के दर्शन करने को मिले। मैं तो पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं अंतिम में, कहा जीती हो किसी ने जिसे मान चुकी सारी दुनिया, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं गीत वही के गाता हूँ, भारत की बारी देखे चुरू हिला नाच गया तालियों के साथ में, भारत का रे रे भारत की बारी, ऐसी जहाँ की भी सदा मैं गीत नहीं गाता, भारत का रे रे भारत की बारी, भारत का रहने वाला भारत की बात सुनाता राष्ट्र देव है जहां पर 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं। देश नहीं होगा तो मंदिरों को कहां बनाओगे, घर होगा तो मंदिर बनेगा ना मित्रों। इसलिए ये देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, दोनों हाथों को उठाकर जहां डाली नीचे वालों को स्क्रीन पर देख रहा हूं सभी लोगों से हाथ जोड़ के एक बार ताली बजा के खड़ा हूं, माता पिता से भी निवेदन सभी लोग, पूरा मंडल पूरा परिसर इस पूरे इस बड़ी में जितने भी नाची के भक्त आए हुए हैं दोनों हाथों को उठा ले, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म मिला पग पग लगता मेरा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ये जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता देना।
महाराणा प्रताप के